बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 21 है, पाकिस्तान की अहम फसलें, लेक्चर नंबर 1। आज हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज के मायनी, नए अल्फाज, जुमले और गलत दुरुस्त। हाँ जी, आप लोग सबसे पहले कॉपी अपनी तैयार करें, उसके ऊपर फहरिस्त लिखें। फहरिस्त में आपने क्या लिखना है, नंबर 1 जो है वहाँ पे आपने लिखना है नंबर शुमार, उसके बाद आपने लिखना है तारीख, और उसके बाद आपने लिखना है पाकिस्तान की अहम फसलें, अल्फाज मायनी, उनवान लिखना है सब्जेक्ट का, मज़मून जो है उसका उनवान लिखना है आपने। हाँ जी, सबक पढ़ने से पहले हम सबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पाकिस्तान जो है वो कैसा मुल्क है, ज़रई है या सनती है? हाँ जी, किसी को पता है? शाबाश, बताएं। हाँ जी, पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, और यहाँ की आबादी जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा इसी शोबे से मुंसलिक है। पाकिस्तान में हर तरह के फल, सब्जियाँ, खुश्क मेवे और अनाज पैदा होते हैं, और ये हम पर अल्लाह का करम है कि ये फल, सब्जियाँ, अनाज वगैरह न सिर्फ हमारे मुल्क में दस्तयाब हैं, बल्कि हम अपनी पैदावार, अपने मुल्क की पैदावार जो है वो दूसरे ममालिक में भी भेजते हैं। पता है, और किसी को पता है इसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम दूसरे ममालिक को भेजते हैं या उनसे लेते हैं? हाँ जी, जो सुबह सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, इसके वसीओ रईज़ इलाक़ों में खेती बाड़ी की जाती है, जिससे क्या होता है कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फल, सब्ज़ियाँ, अनाज और खुश्क मेवे वगैरह काश्त किए जाते हैं। ये पैदावार अगर मुल्की ज़रूरियात से ज़्यादा हो तो फिर दूसरे ममालिक में भेजे जाते हैं, जिससे मुल्की मेशियत को फ़ायदा होता है। आज हम इसी सबक इस सबक में यही पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें काश्त की जाती हैं, यहाँ की अहम पैदावार कौन सी हैं, और हमारा मुल्क जो है वो किन चीज़ों में खुद कफील है, मतलब किन चीज़ों को काश्त करके हमारे मुल्क में जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। आज हमने यही पढ़ना है, पाकिस्तान की अहम फसलें, इल्मो अदब सफ़ा नंबर 76 है इसका। हाँ जी, आप लोग की अपनी उल्मो अदब सफ़ा 76 खोलेंगे, पहले इसकी पढ़ाई करेंगे खुद से, और जो आपको मुश्किल अल्फाज लगेंगे आपने उनको ख़त कशीद कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा वीडियो को चलाना है और आपने मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है। इल्मो अदब सफ़ा 76, साथ में आपने अपनी उर्दू जमात का काम की कॉपी भी तैयार करके रखनी है, उसके ऊपर आपने तारीख लिखनी है, दिन लिखना है, उनवान लिखना है, हाशिया लगाना है। सब बच्चों ने हाशिया लगाना है, बहुत से बच्चे जो हैं वो हाशिया नहीं लगा रहे, आप लोगों ने हाशिया लगाना है, दरमियान में पेंसिल से लाइन लगानी है, और फिर एक साइड पे लिखना है अल्फाज और दूसरी तरफ आपने लिखने हैं मायनी। ठीक है, ये आपको स्लाइड में भी नज़र आ रहा है, आपने दरमियान में लाइन लगानी है, एक साइड पर लिखने अल्फाज और दूसरी तरफ मानी लिखने आपने। सबसे पहले हम सबक की पढ़ाई करेंगे, पाकिस्तान की अहम फसलें। पाकिस्तान की मईशियत में ज़रात बहुत अहम हैसियत रखती है, लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, जो एक वसी रकबे को सैराब करता है और ज़रई ज़मीनों की ज़रखेज़ी का बाइस है। मईशियत का मायनी है रोज़गार, रोज़ी, सैराब, पानी से भरा हुआ, लबरेज, और हैसियत का मायनी है कुदरत, वसी मतलब बहुत बड़े रकबे को। उसके बाद है, पाकिस्तान की फसलों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, सबसे पहले रबी, रबी की फसलें, और दूसरी खरीफ की फसलें हैं। पहले हम इसमें पढ़ेंगे रबी की फसलें। रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं, पता है किसी को कि इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं और इनको कब बोया जाता है और कब इनको काश्त किया जाता है? हाँ जी, इसमें हम यही पढ़ेंगे सफ़ा 76 में कि रबी की फसलें।
रबी की फसलों की काश्त अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई अप्रैल और मई के महीनों में होती है। रबी की सबसे अहम फसल गंदम है, जिससे हमारी गजाई ज़रूरियात पूरी होती हैं। गंदम की ज़्यादातर काश्त पंजाब और सिंध में होती है। थोड़ी बहुत गंदम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पैदा होती है। आप लोगों ने ये सबक की पढ़ाई ध्यान से सुनी है, क्योंकि इसमें से ही आपकी मश्क एक जो है वो हल होगी। पाकिस्तान में गंदम की पैदावार उतार चढ़ाव का शिकार रहती है, मतलब कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। किसी साल अच्छी फसल होती है तो हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाती है, बल्कि इजाफी गंदम दूसरे मुल्कों को बरामद करके आमदनी में इजाफा होता है। बरामद में वो चीज़ जो दूसरे ममालिक को बेचते हैं। लेकिन किसी बरस अच्छी फसल ना हो तो फिर क्या होता है कि गंदम जो है वो बाहर के ममालिक से दरामद भी करनी पड़ती है, मगर मतलब ख़रीदना भी पड़ती है। रबी की दूसरी अहम फसल तंबाकू है, जिसकी काश्त ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में होती है। गंदम का सबको पता है, उससे हम रोटी भी खाते हैं, ठीक है, और गंदम से दलिया भी बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे डबल रोटी हो गई, बिस्किट हो गई, बिस्किट हो गए, ठीक है। उसके बाद है तंबाकू। तंबाकू जो है ये ब्राउन से कलर का होता है और ये सिगरेट नोशी में इस्तेमाल होता है। सिगरेट पाकिस्तान में बनाने के बहुत से कारखाने हैं, जिससे न सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, बल्कि बैरूनी मुल्क को भी, ममालिक को भी बेचा जाता है। रबी की दीगर फसलों में मुख्तलिफ किस्म के तेल के बीज और जौ वगैरह शामिल है। बीजों में सबसे अहम बीज बिनोला है, जिसकी बदौलत कपास जैसी कीमती फसल काश्त की जाती है। इसके अलावा सरसों, सूरजमुखी और अलसी के बीज भी बोए जाते हैं। ये तमाम जो फसलें हैं इनसे तेल निकाला जाता है, लेकिन अभी इनकी पैदावार मुल्क की ज़रूरत से बहुत कम है, इसलिए दूसरे मालिक से बीज दरामद किए जाते हैं। जौ का इस्तेमाल गरीब तबके में होता है, या फिर ये जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इसकी काश्त वसी पैमाने पर नहीं होती, ये मुल्क के कम जरखेज़ और खुश्क इलाकों में बोया जाता है। खुद कफील मतलब अपने खर्चे पर गुजारा करने वाला। 22 का मायनी सबब, साथ साथ आपने मायने भी लिखते जाना है। इसके बाद सफ़ा 77 खोलें। पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी दो इकसाम हैं, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें आमतौर पर मई और जून के महीनों में बोई जाती हैं और इनकी कटाई अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती है। लेकिन सुबह सिंध के कुछ गर्म इलाकों, मसलन बाद जनूबी हिस्सों में, एक आध माह पहले भी फसल तैयार हो जाती है। खरीफ की फसलों में सबसे अहम फसल कपास है। खरीफ की फसलों में सबसे अहम कपास है और रबी में गंदम है। ये पाकिस्तान की आमदनी का एक बड़ा जरिया है। कपास ज़्यादातर पंजाब और सिंध में काश्त की जाती है। थोड़ी बहुत पैदावार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी हासिल होती है। कपास जो है, पता है किसी को कैसी होती है? सफ़ेद कलर की होती है, ठीक है। इससे सूत भी बनता है और कपास से कपड़े बनते हैं। और क्या बनता है? हाँ जी, और बताएं कपास से क्या बनता है? हाँ जी, कपास से मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। पाकिस्तान में दो किस्म की कपास होती है, एक देसी और दूसरी अमेरिकन कपास होती है। अमेरिकन कपास का रेशा जो है वो लंबा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मिकदार में कपास हासिल होती है, इसलिए किसान अमेरिकन कपास काश्त करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मुल्क में कपड़े के बेशुमार कारखाने हैं, जिनमें कपास से हर किस्म का सूती कपड़ा धागा तैयार किया जाता है। इन कारखानों में आला मयार का कपड़ा बनाया जाता है, जो दूसरे ममालिक को भी भेजा जाता है। गन्ना भी खरीफ की अहम फसल है, जो शक्कर साजी का सबसे अहम जरिया है। इसके अलावा गन्ना कागज़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है। गन्ने की काश्त ज़्यादातर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में होती है। ख़ास तौर पर मर्दान का गन्ना बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में गन्ने की बेहतरीन पैदावार के बाइस चीनी वाफर मकदार में बनती है। ये इजाफी चीनी मुल्क की आमदनी में इजाफे का सबब बनती है। गंदम के बाद पाकिस्तान की दूसरी गजाई फसल चावल है, जिसका शुमार भी खरीफ की फसलों में होता है। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन चावल पैदा होता है। इसकी काश्त ज़्यादातर पंजाब और सिंध के नहरी इलाकों में होती है, क्योंकि चावल के लिए ज़्यादा पानी दरकार होता है। वैसे तो पूरे मुल्क में चावल खाया जाता है, लेकिन सिंध और पंजाब के लोग चावल के बहुत शौकीन हैं। हाँ जी, किस किस को पसंद है चावल? चावल से मुख्तलिफ किस्म की
खाने बनाए जाते हैं। पाकिस्तान चावल की पैदावार में ना सिर्फ खुद कफील है बल्कि आला मयार का चावल बरामद भी करता है। खरीफ की फसलों में कई मकई भी शामिल है। मकई जो है, ये जो छलियाँ होती हैं इसको मकई कहते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा काश्त खैबर पख्तूनख्वा में होती है। ताहम पंजाब में भी कई मकामात पर मकई बोई जाती है। मकई का शुमार भी गजाई फसलों में होता है। इंसानों की गजा के अलावा ये जानवरों के चारे में भी इस्तेमाल होती है। बच्चे जिस भुट्टे को शौक से खाते हैं वो मकई ही है। खरीफ खरीफ की गजाई फसलों में ज्वार और बाजरा भी हैं। इनकी काश्त ऐसे इलाकों में भी की जा सकती है जहाँ पानी कम हो या ज़मीन कम जरखेज़ हो। ज्वार और बाजरा जानवरों के चारे के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सफ़ा 78 खोलें। इन फसलों के अलावा पाकिस्तान में कई किस्म की दालें भी मुख्तलिफ़ इलाकों में काश्त की जाती हैं जो हमारे दस्तरखान का लाजमी हिस्सा हैं। जरखेज़ का मायने होता है सरसब्ज़, काश्त मीन खेती बाड़ी। दालों के साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन तमाम सब्ज़ियाँ पाकिस्तान के वसी हिस्से में उगाई जाती हैं। मुल्क की ज़रूरत की तमाम सब्ज़ियाँ वाफर मकदार में बोई जाती हैं। बोई जाती हैं मतलब बिजाई, बीज बोने का मौसम। पैदावार ज़्यादा होने पर आलू और प्याज पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को बरामद भी करता है। फलों के मामले में भी पाकिस्तान खुशकिस्मत खित्ता है। यहाँ बेशुमार इकसाम के रसीले और खुश जायका फल पैदा होते हैं, खसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अनार, अंगूर, सेब, आड़ू, आलू बुखारा वगैरह ज़्यादा पैदा होते हैं। सिंध में केला, आम, खजूर, खरबूजा और तरबूज की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। पंजाब के फलों में आम, माल्टा, मौसमी, कीनू, खजूर, गरमा, तरबूज और खरबूजा ज़्यादा मशहूर हैं। जहाँ तक खुश मेवाजात यानी मूंगफली, बादाम, पिस्ता, अखरोट और चलगोज़ा वगैरह का सवाल है तो ये सिर्फ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ही पैदा होते हैं। पाकिस्तानी फल और खुश मेवाजात मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ बरामद भी किए जाते हैं। हाँ जी, अब ये सबक जो था काफ़ी इसमें मालूमात थी। पाकिस्तान में जितनी भी फसलें काश्त की जाती हैं उसके बारे में। अच्छा जी, इस सबक में हमने क्या सीखा है बताएगा कोई? हाँ जी, अपने अल्फाज में बताएं ज़रा सब लोग। पाकिस्तान में हर किस्म की फसलें पैदा होती हैं जिससे हम अपनी गजाई ज़रूरियात आसानी के साथ पूरी कर सकते हैं। नए अल्फाज हैं सबक के, मैशियत, सैराब, उतार चढ़ाव, दरामद, बरामद, रबी, खरीफ, वाफर, खुद कफील, जरखेज, काश्त, मेवाजात। मश्क एक जो है वो सवालात के जवाबात हैं, वो आपने देखने हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद है मश्क दो। मश्क दो है आपकी सबक की मदद से पाकिस्तान में पैदा होने वाली दालों, सब्जियों और फलों पर एक पैराग्राफ लिखें। तो अभी हमने जो सबक की पढ़ाई की है सफ़ा 78 पे, इसका जो आखिरी पैराग्राफ है ये आपने अब पढ़ना है और अपने अल्फाज में ये सारे जो मालूमात हैं इसके बारे में वो आपने लिखनी है अपने अल्फाज में। इस पैराग्राफ को आपने छोटा करके अपने अल्फाज में लिखना है जमात का काम की कॉपी पर। अल्फाज मायने लिखेंगे, उसके बाद आपने मश्क दो लिखनी है। जवाब इसका आपने पैराग्राफ में से तलाश करना है, पैराग्राफ में ही तकरीबन इसका जवाब है। आपने इसको पढ़ के अपने अल्फाज में लिख देना है। उसके बाद है मश्क चार। मश्क चार है दर्ज है जुमलों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। अब है पहला है आपके पास, पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, ये सही है या गलत है? हाँ जी शाबाश, ये है ठीक। इसके सामने आपने टिक का निशान लगाना है, दुरुस्त। गंदम की पैदावार हमेशा अच्छी होती है। अभी आपने सबक में पढ़ा है कि कभी अच्छी होती है और कभी अच्छी नहीं होती, तो इसके सामने क्या लगाएंगे? क्रॉस। उसके बाद है रबी की फसलों में कपास भी शामिल है इसमें शामिल रबी की फसलों में। हाँ जी, रबी की फसलों में कपास शामिल नहीं है, तो वो जो है किस में आती है? खरीफ में आती है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, तीसरा जो है वो आपका क्या है? रबी की फसलों में कपास भी शामिल है, तो ये गलत है।
उसके बाद है तंबाकू की काश ज़्यादातर बलूचिस्तान में होती है। तो ये सही है या गलत है? हाँ जी, इसका जवाब आपने देखना है खरीफ की फसलों में। यहाँ पे कपास के नीचे लिखा हुआ होगा, रबी की फसलों में लिखा हुआ है तंबाकू जो है वो दूसरी है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बलूचिस्तान में इन्होंने कहा है, तो हमारे पास इसमें लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत है। उसके बाद है चावल की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा पानी दरकार होता है। सही है या गलत है ये? ये सही है, अभी हमने पढ़ा भी है। ठीक है, रबी की फसलों में कपास भी शामिल है, ये आपका गलत है। ठीक है, आपने इसके आगे क्रॉस लगाना है। उसके बाद हमने अब लिखनी है डायरी। अपनी डायरी निकालें आप लोग, डायरी निकालें। हाँ जी, डायरी खोलें, उसके ऊपर तारीख लिखें और मज़मून लिखें। हमारा मज़मून क्या है? उर्दू है। ठीक है, उर्दू को डायरी खोलें, उसके ऊपर तारीख लिखें, उसके बाद इस तरफ आप लिखें उर्दू मज़मून की जगह पर। हाँ जी, अब उसमें लिखना क्या है आपने? आपने लिखना है कि पाकिस्तान की अहम फसलें के नए अल्फाज की इमला तैयार करें और हर लफ्ज़ को तीन तीन बार खुशखत लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है? सबक की मशक 3 और 5 जो है वो आपने घर का काम की कॉपी पर हल करनी है। मशक 3 में आपने जुमले बनाने हैं और मशक 5 में आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपने उसको 2 खाने बनाने हैं। एक साइड पे लिखना है मुजक्कर और दूसरी में आपने लिखना है मुअन्नस। ठीक है, अब बाजरा, दही, जंग, धरती, भूल, ठिकाना, ख्वाब, चावल, खजूर, बादाम, अखरोट, प्याज। अब आपने इसको मुजक्कर और मुअन्नस के खानों में अलग अलग लिखना है। जैसे आपने लिखना है कि मुझे अखरोट पसंद है, तो अखरोट जो है वो मुजक्कर होगा। इसी तरह खजूर, मुझे खजूरें पसंद हैं, खजूर क्या होगी? मुजक्कर होगी या मुअन्नस होगी? आपने इस तरह ये सारा जो है अपनी कॉपी पर लिख लेना है। ठीक है, फिर जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बता दूंगी कौन से मुजक्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं। एक दफ़ा से आपने खुद से लिखना है। ठीक है, खजूर क्या है, मुजक्कर या मुअन्नस? हाँ जी, मुअन्नस है। आपने ये सारे लिख लेने हैं आप घर का काम की कॉपी पर, फिर मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगी कि क्या क्या है। अगला लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे सवालात के जवाबात लिखेंगे हम, उसके बाद हम चचा के नाम खत करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।